सुप्रभात नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आई नो कि कुकिंग ब्लॉग नहीं है, ये मेरा डेली ब्लॉग है, बट स्टिल आई शो यू व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो आज मैं बना रही हूँ नेनुआ का भरता समथिंग, क्योंकि मतलब इसका तो सब्जी बनाना था, फिर मैंने सोचा इसका भुजिया बना देते हैं, फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट भरता, उसने क्या बिगाड़ा है किसी का। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। सो लेट्स सी हाउ आई मेक। ये रही उसकी सामग्री जिसके लिए मैंने लिया है प्याज, ये लहसुन मिर्च कट किया है, ये रहा नेनुआ जिसको मैं छील करके काट ली हूँ बहुत ही मशक्कत से, क्योंकि कट पिट तो रहा नहीं था, बट ठीक है चलता है थोड़ा बहुत। तो सामान रेडी है और ये चार पैरों का प्राणी भी रेडी है। इनको तो भाई किचन में कुछ बने ही, इनको बनने से पहले खुशबू आती है, पहले ही आके बैठ जाएगा बस। तो ये हमने डाला तड़के का आइटम, अब जाएगा इसमें लहसुन मिर्च। डाकू से ही चला लूंगी मैं सब कुछ, और कहाँ पता देंगे क्या। और अब ये प्याज हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे नेनुआ, आधा कढ़ाई में आधा थोड़ा बाहर चला जाएगा। चल भाई अंदर जा, और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा चला देंगे। बस ये पक गया, इसमें बस हल्दी मिर्च और नमक इतना डाल दें एंड इट्स रेडी। सुनना हो, यहाँ पे मेरा भाई अब सब्जी इधर बनाएगा, जब तक वो पकेगा तब तक उसमें यहाँ बैठ के पकाएगा, सारी चीज़ उसमें डल चुकी हैं। काम की तरह मत करो, फिर कैसे करो पढ़ाई की तरह, फिर इसमें भी मन नहीं लगेगा। आई एम सो नॉट फनी, एनीवे जस्ट लुक एट द कलर, कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत मस्त बना एकदम, देख कर के इतना टेस्टी टेस्टी लग रहा है ये तो। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे घर में चूहे ने बच्चे दिए हैं यार, कितने छोटे छोटे से हैं, कितने ज़्यादा छोटे हैं, आँख भी नहीं खुला, सूअर जैसा दिख रहा है लेकिन बंद लग नहीं रहा तेरे को देख के, बंद कर। तो इसलिए वो बच्चे जहाँ पे जैसे हैं वैसे सेफ रहे, इसको डब्बे को पैक करो, धर दो वापस जहाँ से निकाले हो। वहीं चली ये कुत्ते का बच्चा, इसको चैन नहीं है, पता नहीं क्या करते रहता है। चार्ली क्या कर रहा था तू वहाँ पे, क्या कर रहा था? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, मैं तोड़ रहा था, देखो पहले वाला तोड़ा था, इसको भी वैसे ही तोड़ दूँगा, आप मेरे ऊपर ज़्यादा चिल्लाओ नहीं। चार्ली नो नो, कहाँ भाग के जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अभी रोटी फुलाई है, इसमें दही डाल कर देंगे। यहाँ चार्ली गुस्सा आके बैठा है कि उसको खाने को जल्दी दे नहीं रहे। चार्ली चार्ली खाना रेडी हो गया, चार्ली चार्ली नहीं सुनेगा, एकदम नहीं सुनेगा, जब तक उसको खाने को दे नहीं देंगे तब तक। चार्ली ये मेरा भाई निकल गया ट्यूशन के लिए, क्या नहीं मैं रख लूँगी। चार्ली देख ये जा रहा, चार्ली भी आगे देखने के लिए जा रहा है, वो देख जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब घर पूरा खाली हो गया है, अब मैं और चार्ली हैं घर में, बस बहुत मज़े नहीं करेंगे हम, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो गया है,
पिताजी का और माता जी यहाँ है नहीं है, यहाँ तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है यार, वो तो गांव पे है, घर पे जा रहे करते हैं। तो अभी मैंने फटाफट से सारे कपड़े नहीं धोए हैं, आधे कपड़े धोए हैं, आधा कपड़ा मेरा भाई आएगा तो धोएगा जब ट्यूशन से आएगा तो, और अभी मैं धो रही हूँ बर्तन क्योंकि मैं नहीं धोऊंगी तो कौन धोएगा, मुझे ही धोने हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से सारे के सारे बर्तन धो रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना अभी काम कर रही थी, फिर मैंने देखा कि चार्ली यहाँ पे बहुत देर से घूर घूर के देख रहा है। यहाँ पे ना एक बर्ड घुस आई है और ये शिकारी कुत्ते की तरह देख रहा है उसको एकदम से। चार्ली चार्ली डर रहा है, बैठ गया यहीं पे। अभी उसको देख करके मेरे पास आया था। चार्ली कैसे बैठ के देख रहा है उस बर्ड को, यहाँ पे वहाँ पे बैठी हुई है। आ गई है घर में पता नहीं कहाँ से बेचारी, शायद उड़ नहीं पा रही है। यहाँ पे चार्ली बैठ के उसको देख रहा है, घुस के बैठ गया नीचे। चार्ली क्या है वो, चार्ली कितने प्यार से देख रहा है उसको। Look at this bird। मैं तो उसके पास नहीं जा रही, क्या पता शायद क्या हो क्या नहीं, अगर मैं उसको हाथ में ले लूँगा तो फिर चार्ली अटैक करने लग जाएगा उसके ऊपर। वो आगे आ रही है, पीछे हट रहा है, बैठ गई चार्ली भी बैठा हुआ है। ये चार्ली गया उस पे। चार्ली नो, चार्ली शी इज बीन देयर। यस गई वो चार्ली, गई ये तोड़ के चली गई भाई का। चार्ली गई, अब नहीं है यहां पे। तो फ्रेंड्स आज मैंने बनाए हैं चावल दाल और ये चना दाल का चटनी जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया हुआ है पहले से, और ये नेनुआ का भरता और पापड़। तो फ्रेंड्स रात को हमने डिनर में बनाया था चिकन सूखा और रोटी जो कि बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत इजी है यार इसको बनाना। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, सायोनारा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना यार। मिलते हैं, टाटा।